तो ये जगह है कर्नाटका स्टेट में, मैंगलोरू डिस्ट्रिक्ट में ही है ये जगह, और इस जगह का नाम है सेंट मैरीज आइलैंड। आइलैंड ये नहीं है, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो आइलैंड नहीं है, यहाँ से जहाज़ में बैठकर आइलैंड में जाना पड़ता है, वो मेरे दूसरे वीडियो में दिखा रखा है मैंने। ये हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पर, अभी जहाज़ चालू नहीं हुए, और ये जो मछुआरे हैं यहाँ के लोकल, वो अपनी मछलियों को इकट्ठा कर रहे हैं, छांट रहे हैं। और ये जो टायर्स लगे हुए हैं जहाज़ के साइड में, वो इसलिए लगे होते हैं ताकि ये जब किनारे पे टच हो या दूसरे जहाज़ के टच हो तो जहाज़ की बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। साथ ही आप देख सकते हैं ये डंडे, इन डंडों पे तरपाल वगैरह लगाकर ये लोग हवा के रुख से जहाज़ की गति को नियंत्रित कर पाते हैं, तेज़ या धीरे कर पाते हैं। साथ ही साथ में अब ये देखिए आप कितने सारे जहाज़ एक साथ आ रहे हैं, आप गिन सकते हैं स्क्रीन पे, मुझे चार पांच दिख रहे हैं, अभी ये और आएंगे। और इस पर एक फ्लैग भी लगा हुआ है, देखो फ्लैग उड़ते हुए आ रहे हैं। ये देखिए बोट्स, ये इनकी लंबाई काफ़ी, लगभग 2 मिनी बसेस के बराबर इनकी लंबाई होती है, 2 या 3, कभी कभी 3 के। और ये फ्लैग भारत का नीचे है, जबकि ये इनका जो लोकल फ्लैग है ये किसी चीज़ का मुझे नहीं पता, वो ऊपर है। और जहाँ तक मुझे पता है ये तो कोड, जो हमारा फ्लैग कोड है उसके ख़िलाफ़ है, मतलब वैसे नहीं लगाते हैं। जो इंडिया का झंडा होता है वो सबसे ऊपर लगाना होता है, फिर बाकी के झंडे जो हम लगाते हैं वो उसके बराबर या उसके नीचे ही होते हैं, ऊपर इंडिया के झंडे से ऊपर नहीं होते हैं कुछ भी, पर इन्होंने लगा रखा है। ये देखिए छोटी बोट इन्होंने पीछे भी लटका रखी है, और ऐसी बोट में हम गए थे आइलैंड में, सेम बोट है ये, इंजन से चलने वाली बोट्स हैं सारी की सारी, सारी की सारी इंजन से चल रही है, इनमें कोई भी नौका वौका नहीं है। ये देखिए आप लोग, और इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, इनकी स्पीड लगभग 30 किलोमीटर पर आवर इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती इनकी स्पीड। ये देखिए इस पर भी एक फ्लैग है, पर इस पर भारत का फ्लैग नहीं है। ये सारे अपने, ये समंदर है उस तरफ, और ये इस तरफ किनारे की तरफ लौट रहे हैं ये लोग। ये देखिए, धन्यवाद।